वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो, लेकिन कम से कम सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया और सभी लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी वैचारिक विजय हम सबकी है। जब वैचारिक विजय के मंच पर हम लोग जीत चुके हैं तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना है और वही आशीर्वाद मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बंगाल आजादी के समय ये मान्यता थी कि बंगाल विकास की धुरी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 1,38,00,000 परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं, 1,56,00,000 परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और यही नहीं 6 करोड़ की आबादी को आयुष्मान भारत का 5,00,000 रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है और 2,42,00,000